नमस्कार दोस्तों, मैं मन आपका स्वागत करता हूँ एवरीवन टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया, किसी भी पैटर्न लॉक, ऐप वॉलेट या फिंगरप्रिंट लॉक को आप किस तरह आसानी से बाईपास कर सकते हैं इजीली, और आप देखना चाहते हैं कि उसके फ़ोन में गैलरी में क्या है, फाइल मैनेजर में क्या है, वो क्या डाउनलोड करता है, उसके फ़ोन में कौन सी फ़ोटो है, और अपने आप देखना चाहते हैं तो आप किस तरह किसी भी फ़ोन की फ़ोटोज़ को देख सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, देरी ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट करते हुए। तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरे गैलरी पर भी देख सकते हैं आप पैटर्न लॉक लगा हुआ है, या बेसिकली मैं अपने फाइल मैनेजर में भी जाऊं तो वहां पर भी पैटर्न लॉक लगा हुआ है। मुझे इसको आसानी से बाईपास करना है, यही हमारा मकसद है। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको शायद पता होगी, बाकी शायद नहीं भी पता होगी। तो आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र में चले जाना है कोई से भी। तो मेरे फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है तो मैं उसमें ही चला जाता हूँ। सर्च बार में जाने के बाद आपको लिखना है वहाँ पर फाइल कॉलन ट्रिपल स्लैश और एसडी कार्ड। आप जब लिख के इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये वाला पेलोड दे दूंगा, आप वहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली आप इसे टाइप कर सकते हैं। इसको रन कराने के लिए कोई नेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपके पास नेट नहीं है तो आप क्या करोगे। तो आप इसे डायरेक्टली रन करा सकते हैं कोई से भी ब्राउज़र में। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर फ़ोटो देखनी है गैलरी थी, तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में DSCIM का फोल्डर होता है, DSCIM, देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर। इस पर मैंने क्लिक किया, और आपको कैमरा वाली फ़ोटो देखनी है तो कैमरा, और स्क्रीनशॉट वाली देखनी है तो स्क्रीनशॉट। तो आप डेट और टाइम के हिसाब से देख सकते हैं कौन सी लेटेस्ट फ़ोटो है, कौन सी पुरानी फ़ोटो है। तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ तो देख सकते हैं ये एक फ़ोटो है। ऐसी मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, मैं आराम से देख सकता हूँ बिना किसी पैटर्न लॉक या पासवर्ड डाले। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर आप जिसके फ़ोन में देखना चाहते हैं उसके फ़ोन में अगर ब्राउज़र पर भी लॉक लगा तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आप प्ले स्टोर पर जाइए और एक छोटा सा यूसी मिनी डाउनलोड कर लीजिए। यूसी मिनी ब्राउज़र या ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, बहुत सारे ब्राउज़र है, आप कोई सही ब्राउज़र डाउनलोड कर लीजिए और इसमें वो ट्रिक कीजिए, आपका वर्क करेगा। सपोज़ आप के सोच रहे होंगे अगर प्ले स्टोर पर भी लगाए तो क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका फ़ोन दे देना है और मुंह बंद करके अपने घर चले जाना है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thanks for watching. We'll go through the wastelands, through the house.